स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एक टेंजेंट पी क्यू ड्रॉ किया गया है। ओके, और कह रहा है कि सेंटर ओ है तो ओ और क्यू को मिलाया गया है, ओ और क्यू को क्या किया गया है, मिलाया गया है, जिसकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर। वो बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स हमें पी क्यू की। तो हमें एक बात अच्छे से पता है कि रेडियस जो है हमेशा टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है, एज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अगर रेडियस आपकी टेंजेंट से परपेंडिकुलर है तो यहां से कंक्लूजन हमारे पास क्या निकला स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ओ पी क्यू इज राइट एंगल ट्रायंगल, इज राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप लोग समझ ही गए होंगे, फिर तो इस पे क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसको हाइपोटेन्यूज मान लो, इसको बेस मान लो, इसको क्या मान लो, परपेंडिकुलर। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू स्क्वेयर। ओ क्यू कितना है 12 स्क्वेयर, ओ पी कितना है 5 स्क्वेयर, पी क्यू एज इट इज 144 25 प्लस पी क्यू का होल स्क्वेयर, इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1119 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वेयर, स्क्वेयर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट इज इक्वल टू पी क्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा और हमारे पास पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 119। थैंक यू स्टूडेंट्स।